डियर लीडर्स नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेबल डाओ कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स और इसके बिजनेस प्लान के बारे में। आपको फुल डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगा। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MLM इन्फॉर्मेशन एन सिंह में स्वागत है। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। कंपनी संबंधित कोई भी क्वेरी हो, बिजनेस प्लान के लेके अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, उस नंबर पे आप डायरेक्ट हमको कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। डियर लीडर्स, आप मार्केट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे होंगे, लेकिन आज हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में एक अनोखा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप जब पूरी वीडियो देखेंगे, समझेंगे, तो आपको रियल में महसूस होगा कि नहीं, एक बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट में आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है स्टेबल डाओ, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसका CEO है सैमली। सैमली के बारे में आप गूगल पे जाके उनका प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। सैमली जो है बिटकॉइन ग्रुप के कोर कमेटी के फाउंडर मेंबर हैं और इनके साथ और एक बहुत बड़ा बैंक इसके साथ इन्वॉल्व है, जिस बैंक का नाम है सिटी बैंक। तो आप लोग समझ सकते हैं, पहली बार कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सिटी बैंक भी इन्वॉल्व है। आप इनका वेबसाइट जब विजिट करेंगे, इनके प्रोफाइल पे जाके चेक करेंगे, तो वहाँ पे सिटी बैंक के लोगों के साथ बहुत सारा डिटेल्स दिया गया है। तो एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार ज़रूर इनके प्रोफाइल पे जाके इनके वेबसाइट को चेक करें। और सिटी बैंक के बारे में आप सभी को पता है कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट बैंकों में सिटी बैंक 13 नंबर स्थान पर आता है और सिटी बैंक का जो है कुल टर्नओवर जो है 2.6 ट्रिलियन डॉलर है। और ऐसा बैंक जो है इस कॉन्सेप्ट का 10 साल का कैपिटल का गारंटी ले रहा है। तो यानी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि किसी बैंक, कोई बैंक आके सामने और किसी कॉन्सेप्ट का गारंटी दे रहा है। अब जब इनके वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि सिटी बैंक द्वारा A+ रेटिंग, सिटी बैंक द्वारा 10 साल की गारंटी आपको दिया जा रहा है। अब हम बात करेंगे इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है और उसमें हम लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे और हम लोगों का बिजनेस प्लान क्या है जिस पर हम लोग वर्क करेंगे, तो हम लोगों का क्या बेनिफिट होगा। इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए कर सकते हैं। 10 साल में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए $100, $1,000, $10,000 जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट पे डेली 0.10% आपको डेली का ROI आएगा, यानी मंथली 3% और ईयरली आपको 36% यहाँ पे रिटर्निंग आता है। आपका जो कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है और 10 साल के बाद आपका कैपिटल पूरा के पूरा रिटर्न आ जाता है, यानी ब्याज के हिसाब से आपको 3% मंथली के हिसाब से यहाँ पे रिटर्निंग आता है आपके इन्वेस्टमेंट का। अब हम बात करेंगे इसका बिजनेस प्लान क्या है। तो कंपनी का जो कंपनसेशन प्लान है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। 10 लेवल का अर्निंग है, 10 लेवल तक आप अर्निंग कर सकते हैं। 10 लेवल तक अर्निंग करने के लिए आपको डायरेक्ट मिनिमम 15 लीडर्स को आपको लगाना अनिवार्य है। 15 लीडर्स को लगाते हैं तो आप 10 लेवल तक अर्निंग करना आपके लिए इजी हो जाता है। तो एक एग्जांपल से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले लेवल का कमीशन पाने के लिए आपको मिनिमम 1 डायरेक्ट करना अनिवार्य है और फर्स्ट लेवल पर आपको कम से कम $100 का बिजनेस होना अनिवार्य है और पूरे टीम से आपको $100 का बिजनेस होना अनिवार्य है, तो आप पहला लेवल जो है क्वालिफाई कर जाते हैं। सेकेंड लेवल के लिए आपके पास डायरेक्ट 3 होना चाहिए और आपका पहला लेवल का बिजनेस होना चाहिए $5,000 का और पूरे ग्रुप का बिजनेस होना चाहिए $15,000 का, तो आप सेकेंड लेवल क्वालिफाई कर जाते हैं। और थर्ड लेवल के लिए आपको डायरेक्ट करना जरूरी पर है 4 और आपके जो फर्स्ट लेवल हैं वो फर्स्ट लेवल का बिजनेस होना चाहिए $7,000 का और टीम का बिजनेस होना चाहिए $50,000 का, तो आप थर्ड लेवल क्वालिफाई कर जाते हैं। इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चार्ट में जो आप देख सकते हैं, चार्ट वाइज आपका हर एक लेवल आप पार करते हैं और पार करके लास्ट में 10 लेवल तक आप जाते हैं। आपको पहले लेवल से कमीशन मिलता है 10%। एक एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके फर्स्ट लेवल पे आपका $10,000 का बिजनेस हुआ, तो $10,000 का जो भी बिजनेस हो रहा है उन पे 3% ROI आपके क्लाइंट के पास जा रहा है हर महीने में। तो आपके क्लाइंट के पास जो 3% ROI जा रहा है, उस 3% बिजनेस का 10% आपको रेगुलर 10 साल तक वो पेमेंट आता है। मान लीजिए आपके फर्स्ट लेवल पे बिजनेस है
$1,00,000 का, तो $1,00,000 का 3%, $3,000 हर महीने में पार्टी के पास जा रहा है, और $3,000 का 10% यानी $300 हर महीने आपके पास आता है लगातार 10 साल तक। इस हिसाब से सेकेंड लेवल से आता है 6%, थर्ड लेवल से आता है 4%, 3%, 2%, 1%, 1%, 0.5, 0.5, ऐसे करके पूरे 10 लेवल तक का ये परसेंटेज आता है। ये सारा परसेंटेज आपके पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल पे जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट पे जो भी ROI 3% के हिसाब से क्लाइंट के पास जाता है, उस क्लाइंट के पास जो अर्निंग जाता है, उस अर्निंग के ऊपर आपको ये परसेंटेज लगातार 10 साल तक दिया जाता है। यानी आप वर्क करते हैं एक बार और उस अर्निंग को आप लगातार 10 साल तक लेते हैं। आपके पास जो कमीशन आ रहा है ये पहला इनकम है, आपका दूसरा इनकम है पुल ए का इनकम, और तीसरा इनकम है पुल बी का इनकम। तो चलिए पुल ए का जो इनकम है इसके बारे में बताते हैं। आप लेवल 3 से ऊपर जब चले जाते हैं तो आपको 1% अलग से दिया जाता है, और लेवल 6 से जब ऊपर चले जाते हैं तो फिर से और 1%, यानी 3 लेवल पे 1% और 6 लेवल पे ऊपर 1%, टोटल हो गया 2%, और लेवल 9 से ऊपर चले जाते हैं तो और 1%। इस तरीके से 3% आपको यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। और पूल बी में आपको क्या मिलता है ना, पूल बी में टोटल बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। 0.5 मिलियन 30 डे में आपका बिजनेस होता है तो 1% अलग से आता है, और 1 मिलियन बिजनेस होता है 45 दिन में तो 1% अलग से आता है, और 5 मिलियन बिजनेस होता है 60 दिन में तो 1% अलग से आता है। इस तरीके से 3% यहाँ पे आपको अलग से मिलता है। टोटल कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है 36%, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। 10 लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन होता है 30%, और पूल ए में डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3%, और पूल बी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3%। इस तरीके से टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है 36%, और आप जो भी कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उस कैपिटल पे 0.1% डेली के हिसाब से आपको यहाँ पे अर्निंग आता है, और आप जो भी यहाँ पे अर्निंग करते हैं उस अर्निंग को 24 घंटा 365 दिन कभी भी विड्रॉल आप कर सकते हैं। इस विड्रॉल के लिए आपको $2 यहाँ पे विड्रॉल फीस देना पड़ता है। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, कंपनी यहाँ पे जो भी आपको अर्निंग देती है और बिजनेस प्लान का भी जो इनकम यहाँ पे दे रही है कंपनी, ये लगातार 10 साल तक आपको दे रही है। यानी वर्कआउट आप एक बार करते हैं और उसका अर्निंग जो है 10 साल तक लेते हैं। धीरे 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 बिजनेस को डेवलप करेंगे तो आगे चल के एक बहुत बड़े लेवल पर बड़ा काम हो सकता है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर और लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप ज्वाइनिंग करें और आप हमको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।